हेलो जी, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त हेमराज, मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रक हीरो में। तो गाइस, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोग भाई आगे थे वंशी की नानी के घर। तो यहाँ पर भाई वंशी की नानी के घर यहाँ सामने, और आज है भाई डे 2। तो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको ये बता देता हूँ भाई, रात हो गई थी, बारिश, ये देख रहे हैं आप, नालियाँ बह गई है भाई, नालियाँ, बारिश। और रात को कितने बजे आए हम? 11 बजे है ना, 11:30 बजे भाई गाड़ी की तिरपाल लगाने आना पड़ा रात को, क्योंकि 11 बजे बिजली लगी थी चमकड़े, और तिरपाल हमने डाला नहीं था। बस फिर रात भाई इसने मेरी हेल्प करी, थैंक यू भाई तिरपाल डलाने के लिए। इसने रस्सा खिंचाया नीचे से। किसकी कैट? हमारी नहीं, मतलब घुस गई। चल जाने दे इसको, चेक करने दे क्या है अंदर। गाड़ी में पहुंच गई, देखो अंदर, अभी चेक करेगी अंदर क्या है। ए भाई पहाड़ी बिल्लियां, पहाड़ में हर घर में भाई एक आधी बिल्ली होती है, इतनी आस पड़ोस में, तो चलो नॉर्मल सी बात है। तो शुक्र है भाई हमने ना माल भीगने से बचा लिया, नहीं रात काम हो जाना था। तो बस अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 7, और मौसम देखो भाई चारों तरफ कैसा हुआ। और अभी निकल रहा हूँ भाई मैं गाड़ी खाली करने के लिए। तो यूरिया भी मैंने ले लिया था रात, अभी क्या करता हूँ पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फिर यूरिया भी डाल देता हूँ, और फिर मेरे को यहाँ से निकलना है। अभी यहाँ से कम भी 45 से 50 किलोमीटर जाना है मेरे को, जहाँ हमारा अनलोडिंग पॉइंट है। और रोड भी आपको दिखाऊंगा भाई कितना खतरनाक है, बीच बीच में रास्ता पूरा सिंगल रोड होने वाला है भाई, पूरा ब्लॉग एंड तक देखना, बताऊंगा आपको कहां पर जा रहा हूं मैं पहाड़ में गाड़ी लेके अकेले। पहले तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं, और फिर ऊपर से यूरिया की बाल्टी उतारता हूं और यूरिया डालता हूं। चलो स्टार्ट कर लेता हूं मैं, आ जाओ नीचे, धूप बत्ती भी करते हैं। लो भाई ऑलमोस्ट यूरिया डाल दिया है, बाल्टी ये रही, इसको ले जा घर, बाल्टी को जाना भाई बिल्लू साथ। तो मैं धूप बत्ती जला लेता हूँ गाड़ी में, और निकालते हैं भाई अब गाड़ी को, बहुत टाइम हो गया भाई। चाबी रख दी अंदर, चल मैं देखता हूँ इधर, सीट भी उठाई, अभी सीट भी लगानी है। हरे राम 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 हरे हरे, मैं धूप जला लेता हूँ, देखो 7:50 हो गए भाई यहीं पर ही। ठीक है फिर निकलता हूँ, बाय बाय। चलो आगे तो निकल जाओ, देख रहे हो आप कैसे नीचे हुआ बारिश करके ना, रोड की कंडीशन देखो आप। हेलो जी, चलो जी, चलो 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 चलो, हेलो जी, बाय, ओके। चलो गाइस चलते हैं, अब यहाँ तो सीधी टक्कर है भाई, ऊपर को खड़ी टक्कर है यहाँ पर, मुझे हो जाना मैंने ऊपर वाले रास्ते में। अभी तो मैं यहाँ से राइट चल जाऊंगा, फिर घूम फिर के ऊपर को आऊंगा मैं। मौसम देखो तो भाई यार एक बार उधर कितना गच हुआ है, वाओ। यहाँ से आए थे गाइस हम कल, अब जा रहे हैं ऊपर निरमंड की तरफ, निरमंड यहाँ से 10 किलोमीटर। अब देखो हम यहाँ से बस तीसरे गियर में जाएगी गाड़ी, तीसरा चौथा, क्योंकि चढ़ाई है ना ऊपर, वो देख रहे हो रोड, देख लो पूरा ट्रक चलता है भाई रोड पे, पूरी पूरी जगह दोनों साइड, उधर साइड भी देख लो, हेलो, और इधर साइड भी देख लो। बस अब चढ़ाई में जो गाड़ी जा रही है भाई, उसके लिए जैसे ऊपर से डाउन में जो गाड़ी आएगी उसको पास देना पड़ेगा, चढ़ाई चढ़ने वाली गाड़ी को भाई पास देना पड़ता है, ये रूल होता है भाई इधर पहाड़ों पे। और देखो मेरे पीछे गाड़ी आ गई, अब इसके लिए इसको वेट करना पड़ेगा पास के लिए, मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं इसको ऊपर जाके पास दूंगा। व्यू चेक करो आप, यहाँ पर भी भाई बहुत तिखा मोड़ है,
और यहाँ पर पास की दिक्कत है, ऊपर से यहाँ टक्कर है, तो गाड़ी ना कोई आ जाए। फिलहाल तो नहीं आई भाई, टूट गया मोशन। देखो अब दूसरे में चढ़ेगी यहाँ गाड़ी। यहाँ से रह गया निरमंड 3 किलोमीटर। निरमंड बस अब देख लो बाजार मतलब शुरू हो जाता है इधर से अब। और पार्किंग देख लो रोड के साइड में ही भाई पार्किंग होती है गाड़ियां। पास पूछ देने को भाई उतनी जगह भी नहीं है, अगर बड़ी गाड़ी आ जाए, यहाँ थोड़ी बहुत जगह है, अदरवाइज बैक करो। ये बड़ी समस्या आती है, इसलिए मैं बार बार मतलब आपको ये बोल रहा हूँ पास देने के लिए। बड़ी गाड़ी वाले को बहुत बार भाई पीछे करनी पड़ जाती है। चलो हम तो यहाँ के लोकल है, बाहर के बंदे को देख के तो भाई यहाँ लोकल गाड़ी वाले बैक करवा लेते, बैक ही नहीं करते गाड़ियाँ, ऐसा भी करते हैं बहुत कम ऐसे लोग, ऐसा भी नहीं है बहुत कम है, तो क्या ही बोल सकते हैं भाई। हर जगह ही होते हैं, देखो जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी होते ही हैं, ये तो फैक्ट है भाई। तो जाके अब आपको सीधा दिखाता हूँ भाई अपना मेन चौराहा बस स्टैंड निरमंड। काफ़ी टाइम बाद आया भाई, अच्छा लग रहा है और मौसम भी भाई बहुत कैंट हुआ है। कर लो भैया जी साइड, ये वेलकम गेट आ गया भाई अपने शहर का, ये आ गया मेन चौक भाई अपने बाजार का निरमंड, देख रहे हो। और अभी तो सुबह के 8:30 हो गए, देखो अभी इतनी चहल पहल है ही नहीं, इधर ना रश है, देख रहे हो। तो अपने को जाना है भाई यहाँ से राइट साइड, अरे बड़ी गाड़ी आ गई रे बाबा, अब अपने को बैक करनी पड़ेगी। देख रहे आप टिप्पर आ गया भाई, सो गाइस अपने गांव से 2 किलोमीटर पीछे आगे पहुंच गया था मैं। तो भाई यहाँ मेरी नानी का घर है ऊपर, तो मम्मी भी आई हुई थी इधर ही, तो मम्मी ने फ़ोन कर दिया, बोलते रुक जा चाय पी के जाइयो, गाड़ी मैंने इधर ही दबा दी साइड में, देख रहे हो। और वो आ गई भाई माता जी भी, वो देखो इधर भी है भाई नीचे मेरी बड़ी मम्मी का घर, और यहाँ पास में भी है, इधर भी ऊपर नानी का घर है भाई, यहाँ से ऊपर भी है। एक बार आपने भाई इसको याद होगा पहले वीडियो देखी होगी, हम यहाँ से पैदल जाते थे ऊपर को, तो हाँ जी ये आ गई भाई माता श्री। फोन अलग आती गाड़ी थी, इतनी करो दिया। लो जी आ गए घर पे चाय पीने के लिए, देखो भाई करीब से अब ये भाई सेब का पेड़ और ये लगे एप्पल, अभी इसमें कलर ही नहीं आया पूरा। व्यू भाई कितना खतरनाक आ रहा है यहाँ से, देखो तो मस्त व्यू आ रहा है। चल रहे हैं भाई अब खाली करने के लिए, तो इसमें ले आया मैं साथ में लंच, दलिया बना था घर पे, अब साथ में लेके जा रहा है इसको, मैं दिन में खाऊंगा। अभी सुबह सुबह क्या मेरे को भूख नहीं होती ना, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो ये भी ज़बरदस्ती बोले लेके जाओ बड़ी मम्मी ने दे दिया, मैं कहा चलो दिन में खाएंगे इसको। चलो 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 मस्त व्यू है भाई मस्त, वो देखो ऊपर धुंध पड़ी है भाई। पहाड़ों का लाइफस्टाइल ही मतलब अलग है हमारे शहर के लाइफस्टाइल से, बहुत फ़र्क है भाई इधर। अब देखो किसी ने घर भी जाना होगा, देखो ऊपर ऊपर इतने ऊपर में जाके घर है, अब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, पहले ऊपर पहुँचो उतरो बड़ी मुश्किल हो जाती है। चलो फिर चलते हैं। चलिए जी आ गया है गाड़ी में मैं, गाड़ी कर लिया है मैंने स्टार्ट, और चल माता जी को भी देता हूँ पार तक लिफ्ट, इन्होंने पार तक जाना है। चलो रामा क्या हो, रामा क्या करो खिड़की बंद। लो ठीक है फिर बाय, ठीक है बाय बाय, जाओ जाओ। अच्छा अब मेरे को यहाँ से कम अभी 1.5 घंटा और लगेगा आगे जाने को।
तो आज है भी वैसे संडे है और मैं भाई छोटे पापा का लड़का यानी मेरा छोटा भाई भी घर पे ही है, उसको बुला लिया है। मैं कहा चल तू आ जा साथ में, चलेंगे गाड़ी खाली करने और व्लॉग भी शूट करेगा, बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनेगी। मैं क्या तो अभी बुला लिया मैंने उसको, यहाँ से आके भाई 2 किलोमीटर आके है मेरा गाँव, मैं दिखाता हूँ आपको जाके। तो सोनू भी आने वाला है, फिर चलते हैं साथ। सामने आ गया है गाइस मेरा गांव, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना गांव, ये है भाई मेरा गांव। ये रास्ता जाता है नीचे, वो जो नीचे दिख रहा है ना भाई, इसके परली साइड है मेरा घर सबसे लास्ट में। यहाँ रोड है समझ लो, यहाँ से नीचे जाने को ना 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, चढ़ाई भी चढ़नी ऊपर को तो बहुत मुश्किल है। मेरे घर तक ना गाड़ी जाती है ना बाइक, कुछ भी नहीं, बस पैदल जाना पड़ता है। जैसे यहाँ रोड है बस इधर से रास्ता होता है भाई नीचे, वो देख रहे आप पैदल जाने को, ऐसे जाना पड़ता है नीचे। ये आ गया भाई अपना स्टेशन, जहाँ से भाई अपने गांव का रास्ता जाता है। देख रहे आप गाड़ी लगाने को भाई यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ से जाता है भाई रास्ता नीचे, यहाँ से अपने को पैदल जाना पड़ता है। तो चढ़ाई में लग जाते हैं भाई 40 मिनट भी लग जाते हैं, कई बार आधा घंटा लग जाता है। तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता है नीचे और पैदल ही ऊपर। तो अब देख लो यहाँ लगती है अपनी गाड़ियाँ, ये अपने छोटे पापा की गाड़ी है भाई लगी हुई। ट्रक लगाने का तो बहुत कम ही जगह है यहाँ, पहले होती थी यहाँ जगह, लेकिन अब यहाँ कुछ और बना दिया सिस्टम, तो अब लगती नहीं ना, मैं लगाता ही हूँ गाड़ी यहाँ पर। ये चेक करो, ये भाई अपना गांव है हेमराज भाई का गांव भाई आपके, यहाँ धनुधार है जगह का नाम। तो ये आ गया अभी अपना भाई भी सोनू डॉन। नमस्ते। हाँ भाई कहाँ तक गया तू? आगे तक गया। चल आगे जाएगा, आगे से शूट करियो आगे को, ठीक है? चलो वो जाना हमने पारली साइड खाली करने गाइस। चलो तो और घर में भाई ठीक है? सब ठीक है सारे। जैसे आजकल देखो बारिश हो रही ना, लैंडस्लाइड होते रहते, देखो इधर भी पत्थर आए हैं रोड में, छोटे मोटे पत्थर आते ही रहते भाई। अब यहाँ से आगे मतलब पूरे जगह जगह आपको सेब के बगीचे नजर आएंगे भाई, पीछे कम थे, अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं ये मोड़ के बाद। और ग्रीनरी देखो आप भाई आसपास, और टाइम देख रहे हैं 9:37 होगा। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा हमारे को, समझ लो 30-32 किलोमीटर जाना हमने, अब 9:37 होगा, अब देखते हैं हम आप कितने टाइम में पहुंचेंगे पार। बाकी इसको तो भाई आपने पहचाना ही होगा, जब हमने 10 चक्कर लिया था, पहले 2 चक्कर तो मैं तो यही साथ था, फिर एक घर आ गया था, इसके कॉलेज की छुट्टियां पड़ी थी। चलो भैया चलो, चलो भाई अब पास देना पड़ेगा भाई को, हॉर्न मारा पीछे से, आ जा भाई आगे जी आइए। अभी तक तो भाई देख रहे अभी इधर सेब पेड़ों पे ही है, मतलब अभी तुड़ान भी नहीं हुआ है पेड़ों से सेब का, अभी 5-7 दिन का और लेट है मतलब सेब। और भाई इधर सामने मेरे को लग रहा है रोड बंद हुआ है, देख रहे अब जाम लगा है भाई, मेरे को लग रहा है यहाँ क्या सीन है, जाके देखना पड़ेगा भाई, रास्ता बंद है और यहाँ गाड़ी रोड में लगी है पूरी पूरी जगह से। इधर लगी है भाई गाड़ी अपनी साइड में, साइड में क्या बीच रोड में लगी, देख रहे आप जाम है लगा। अब चलते हैं भाई आगे देखने, और ये देखो अभी सेब पेड़ों पे ही है, देखो तुड़ान ही नहीं अभी हुआ, तो अभी चलते हैं भाई आगे देख के आते हैं क्या सीन है। और भाई हमारे पहाड़ों में ना एक चीज और कॉमन है, पानी मतलब हर जगह मिलेगा आपको पीने का पानी, और वो भी भाई जमीन से निकलता हुआ ऑर्गेनिक, बोतल लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, उससे ज्यादा मिनरल होते हैं। देखना अभी यहाँ पानी आएगा, भर लियो पानी है ना पानी की बोतल, यहाँ देखो भाई पानी निकल रहा है, ये जमीन से निकलता है भाई, और पीने के लिए भी इतना मीठा होता ना, देखो कितना पानी निकल रहा है, चेक करो, ले आप भर के ले आ।
भाई इधर देखो बड़े पत्थर आए बीच रोड में। अब यहाँ से अपनी गाड़ी निकलेगी नहीं, ये करने पड़ेंगे हमारे को साइड, क्योंकि देख रहे हैं आप इतना तो रोड है, इतनी गाड़ी है अपनी, हो जाएंगे साइड अपने आप से। थोड़े से साइड तो कर दिए हमने ये उठा के पत्थर, अब गाड़ी तो निकलनी चाहिए यहाँ से। निकल जाएगी निकल गई। देख रहे भाई कई बार ना खुद से करने पड़ता है स्ट्रगल, नहीं तो यहाँ रास्ता बंद हो जाना था। आ जाओ जी आ जाओ, इधर कोई आ जाओ, चल 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 चलो। एक जगह से निकले अब सामने दूसरी जगह पे भाई फिर जाम लगा है। देखो मेरे को लगता है उधर भी बंद हो गया रास्ता, वही मैं सोच रहा है यार सुबह से बस ही नहीं कोई मिली हो। देखो सामने दोनों बसें रुकी हुई है, अब आगे हमारे को भी कहीं साइड लगानी पड़ेगी जगह देख के। पहुंचेगी हम आज की नहीं पहुंचेंगे यार, अब वो जेसीबी जो पीछे लगी थी काम करने वो ही आएगी यहाँ जेसीबी से रोड को खोलने के लिए, तो हमारे को गाड़ी साइड में लगानी पड़ेगी ताकि वो जेसीबी आगे निकल पाए हमसे। शुक्र है भाई साइड लगाने को जगह मिल गई। चलो भाई इधर से आने वाली गाड़ियां सारी इधर रुकी है, चलो गाड़ी क्रॉस करने के लिए लगा दी हमने इधर साइड में, अब जेसीबी यहां से क्रॉस हो जाएगी। तो गाइज मैं जा रहा था आगे देखने कि भी क्या सीन है, तो देखा भी सामने जाके जो बस है भाई वो पूरी तरह दलदल में फंस गई भी थी, क्योंकि ऊपर से ना रात पानी आया था, पानी की वजह से पूरा बह गया है मिट्टी और पत्थर साथ में, जिसकी वजह से भाई ये बस यहाँ पर फंस गई भी थी बहुत ही बुरे तरीके से, देख रहे हैं आप। तो भाई अब कर रहे हैं यहाँ वेट जेसीबी का, अभी थोड़ी देर में जेसीबी आएगी और इस बस को निकालेगी। और इसके साथ आप देख रहे होंगे भाई ये पास में बाइक वाले निकालने की कोशिश कर रहा था बाइक को, तो साथ में भाई का बाइक इधर फंस गया है मिट्टी में। हमने इसको बोला भी मत निकाल दल दल है, भाई नहीं माना, हैवी ड्राइवर बन रहा था भाई, फंस गया है नीचे। तो अभी इसको निकालने के लिए बंदे को बुलाएंगे। तो फाइनली भाई दो ढाई घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद जेसीबी ने भाई बस को निकाल दिया है बाहर, देख सकते हैं भाई बस आ गई है दलदल से बाहर, बस अब रोड हो जाएगा भाई थ्रू, और जो रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब था उसको भी लगे हाथ जेसीबी अब कर देगी साफ। तो चलिए भाई हम भी जाते हैं अब अपनी गाड़ी के पास और इधर आने की तैयारी करते हैं, ढाई घंटे हो गए भाई इधर बैठे हुए, चलिए गाड़ी के पास चलते हैं। दोस्तों ढाई से तीन घंटे हो गए भाई खड़े, अब यहाँ पे भाई जाम खुलना हो चुका है स्टार्ट, धीरे धीरे देख रहे हैं भाई गाड़ी आनी शुरू होगी भी है, तो लगता है अभी अब 10-15 मिनट में हम निकल जाएंगे यहाँ से, गाड़ी आनी स्टार्ट होगी उस साइड से, बस अब थोड़ी देर से हम भी निकल जाएंगे। जाम लग गया अभी, सामने को क्रॉस नहीं हो पा रही ना गाड़ियाँ, उधर बड़ी गाड़ियाँ हैं, बस भी आ गई आगे से पार से है ना, तभी जाम लग गया है। चलो देखते हैं और कितना टाइम लगने वाला है भाई हमारे को इधर। तो ये था भाई सारा पॉइंट आया हुआ नीचे, यहाँ थी बस फंसी है यहाँ पर, यहाँ थी भाई। अच्छा देख रहे अभी भाई ऊपर से आया नाला नीचे, देखो जगह पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से, इधर भी है गिरे हुए। वो आ गया शहर बागी पुल, गाड़ी आ रही है पीछे, इनको पास देना पड़ेगा अब, क्योंकि वहां पुल में मेरे को गाड़ी बैक करनी पड़ेगी, पहले इनको साइड दे देता हूँ यहाँ पर गाड़ी वालों को, इधर साइड से आ जाओ लेफ्ट साइड से, बाहर को करिए एक बार शूट। अभी रास्ता इधर भी पार्ली साइड बंद बता रहे हैं, पता नहीं क्या होता है देखते हैं जाके। अभी ब्रिज के ऊपर आ गया भाई, ये है बाकी पुल, अब नदी के उस पार आ गए हम।
भाई इधर ही लगा ली है साइड में, यहाँ बस स्टैंड है बागीपुर का आगे, भाई रास्ता बंद बता रहे हैं। अब वही जेसीबी आनी क्यों है ना, वही जेसीबी आएगी वही खोलेगी। अब वो जेसीबी पीछे थी जहाँ पॉइंट खराब था, अब हमने पास ले लिया था उससे, अब वो आएगा रोड खुलेगा तब थ्रू होगा। लो अपनी धन और रानी भाई इधर लगी है, यह है बागी पुल और जो श्रीखंड यात्रा के लिए भाई रास्ता जाता है वो इधर से जाता है ऊपर, यह बागी पुल ऊपर जाओ पड़ता है, जाओ बागा सराण इधर से ऊपर भाई टूरिस्ट प्लेस है बड़ा मस्त बागा सराण के लिए। अगर कई प्लान बना रहे हो तो आना भाई इधर घूमने, हर कुछ है भाई एक्सप्लोर करने को इधर। हम क्या करते हैं अब इधर ही चाय पानी पी लेते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है, दिन के 1 बज गए हैं, तो उससे बड़ी इधर ही कुछ करते हैं लंच वगैरह, फिर चलेंगे आगे जब रोड खुलेगा। भाई वो पूछते हैं आगे से आ रहे रास्ता बंद है, आगे बंद है रास्ता, ये वाला पॉइंट था गाइज, इसकी वजह से रास्ता बंद हुआ था यार, आज पूरा दिन भर ही लग गया हमारे इधर, अब जाके खुला है रास्ता। अब आगे पता नहीं और कितना किलोमीटर सही होगा, कहीं आगे ना खराब हो यार रास्ता। इधर तो और भी भाई पूरा पूरा रोड है, आगे को देख रहे हैं पार जाना हमने, और रास्ता देखो पार से नीचे को कैसा है, एक बार बाहर से दिखाई हो जरा है ना, देखना तो कितने दिक्के दिक्के मोड़ है भाई। देखो अगर एक साइड से गाड़ी गई ना नीचे कुछ नहीं मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी ना खुद मिलेंगे, दिखाई है जरा एक बार बाहर को। इधर तो रास्ता ऐसा देखो, एक साइड रेलिंग लगाई है एक साइड को पत्थर है, मतलब गाड़ी दोनों पूरी साइड जाती है, दोनों साइड पूरी पूरी, और ऊपर से ना इसमें पास देने को जगह है। इधर को पहली बार लेके जा रहा हूँ मैं इस ट्रक को, इस साइड को अपना भाई पार्ली साइड वाला एरिया है, इधर को अपना आना बहुत कम समय रहता है। ये खड़ी है जेसीबी यार, तो गाड़ी भाई पूरी पूरी आएगी, यहाँ नीचे से गिरा हुआ है, खोखला है अंदर को, गाड़ी पूरी बढ़ा के लेनी पड़ेगी एक बार बाहर को भी। पहाड़ों में अगर भाई गाड़ी चलानी है ना तो आपके अंदर सहनशीलता सबसे पहले चाहिए, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी नहीं चलती है भाई, और सूझवान ड्राइवर चाहिए भाई, समझदारी से काम लेना पड़ता है, ना जबरदस्ती कहीं गाड़ी ले जानी। आजकल तो बरसात है, जैसे रोड से बाहर किनारे से बाहर चल जाए गाड़ी गिरने का चांस भी रहता है, और रास्ते तो खैर पूरे पूरे रहते हैं, आपको दिखा ही रहा हूँ मैं रोड, बाकी दिखाना भाई आगे को, रास्ते आप खुद देख सकते हैं भाई पूरे पूरे रोड रहते हैं, और जल्दबाजी नहीं, अपने आराम आराम से। देखो इधर पास नहीं था तो भाई को गाड़ी बैक ही करनी पड़ रही है, मैं समझदार था, कई बंदे तो करते भी नहीं है बैक, मेरे को बोलते थे करो भाई बैक करो, कई होते हैं भाई ऐसी मेंटालिटी के बंदे भी, लेकिन भाई ने भाई कर ली है बैक। अब इधर पूरी पूरी जगह होगी पास करने के लिए, बस जी बस भैया। भाई नीचे को देख रहे हो कितना मस्त ग्रीनरी दिख रही है इधर, ये चावल के खेत है भाई, शायद बीजा धान इधर, हाँ चावल के खेत है भाई। अब इधर रास्ता अच्छा है, इधर बढ़िया टायरिंग है, करीब नया डंपर है रोड में बिछाया। इधर भी लैंडस्लाइड हुआ है, हल्के हल्के पत्थर गिरे हैं, हाँ बड़े बड़े कर दे साइड, मतलब टायर के लिए जगह बना दे, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है यार बीच बीच में ना। अब देख रहे हैं भाई यहाँ भी पत्थर गिरे हुए हैं, बस एक बार गाड़ी निकल जाए यहाँ से पत्थरों के ऊपर से। आसमान से गिरे खजूर पे आके लटक गए भाई, वही काम होगा आगे जाके भाई, फिर रास्ता बंद हो गया है। देख रहे हैं इधर भी मलबा आया है भाई ऊपर से नीचे, इधर भी रास्ता बंद है। ये देखो सुबह की भाई पहली बस है ये, अभी ये भी नहीं पहुंची, अभी इधर ही रास्ते में डोल रही है, और इधर आके फिर लग गया जाम। अब देखते हैं जेसीबी कब तक आती है भाई।
आधा घंटा रुकना पड़ गया इधर भी, तो कर दिया जेसीबी ने साफ, बन गया रास्ता भाई टेम्परेरी। सामने से भी गाड़ियां आ गई है भाई। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम जहां माल उतारना था, और रह गया थोड़ा पीछे, अभी आधा किलोमीटर आगे जा रहे हैं गाड़ी घुमाने के लिए, क्योंकि पहाड़ में भाई ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, कई जगह गाड़ी घुमाने को जगह ही नहीं मिलती। अब आगे देखना पड़ेगा, कहीं आधा किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा गाड़ी घुमाने। और वो देखो ऊपर भाई लैंड स्लाइड रोड के साथ साथ भाई पूरा है नीचे आया हुआ मलबा। अब इधर देखते हैं कहीं आगे गाड़ी घुमाने के लिए ना लगे भाई गाड़ी घुमाने, जगह बिल्कुल ही है नहीं है यहाँ। दिखा दो जरा कितनी जगह मोड़नी पड़ती है। और गाइस पहुंच गए भाई गाड़ी मोड़ के वापस। फिलहाल हमने यहाँ लगाई है साइड में गाड़ी, तो यहाँ लगेगी खाली होने को, लेबर वाले आ रहे हैं बुलाया इन्होंने, तो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे वो यहाँ है भाई जहाँ हमारी गाड़ी खाली होगी। इनका घर का सामान है देख रहे हैं, अभी ये घर रोड के साथ ही है इनका, तो चलो बढ़िया। अब जा रहे चाय पीने बुलाया है, देखते हैं कब आते हैं लेबर वाले, फिर दिखाऊँगा आपको खाली करते हुए। चलो जी चाय पी ली है भाई जी ने, चाय पिला दी आते ही, पहले चाय पानी पिलाया। अब भाई लेबर वाले बंदे भी पहुंच गए हैं जो गाड़ी खाली करेंगे, ये आगे भाई लेबर वाले भाई गाड़ी खाली करने के लिए। तो अब हमारे को भाई गाड़ी लेके आनी है यहाँ, यहाँ गेट तक लगा देंगे गाड़ी, थोड़ा यहाँ भाई अंदर तो नहीं घुसेगी हमारी, आधी आ जाएगी यहाँ तक गाड़ी, तो यहाँ लगा के फिर अनलोड करवाते हैं। हेलो भाई, लगी अपनी गाड़ी पॉइंट पे, पूरी तो उतर पा नहीं रही थी नीचे क्योंकि पिलर लग रहा है ना पीछे, अब चकना पड़ेगा तरपाल। ले ले ऐसे उठा दे, हेलो हाथ लगा ले सोनू यहाँ इसमें से। गाइस आगे आगे हम खाली करके कम से कम वापस की तरफ 4-5 किलोमीटर, मैं कहा एक लोकेशन दिखानी थी आपको भी जहाँ इस टाइम अपन खड़े हैं, ये मैं आपको जाती बार दिखा रहा था। और ओ चेक करो नीचे कहाँ है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो भाई 2 किलोमीटर नीचे को, 1.5 से 2 किलोमीटर। और ये रहा भाई अपना रोड, और ये अपनी धनोरानी देखो तो भाई कहाँ खड़ी है, आपको दिखाते हैं आगे से। इसी भाई बात पर भाई लाइक तो बनता है भाई, और सब्सक्राइबर भी। यहाँ देखो रस्सा कहाँ लटक रहा है यार, पहले तो रस्से को इधर कहीं टाइट करिए। ये चेक करो भाई किधर खड़ी है अपनी धनो रानी, देख रहे हैं भाई नीचे को भी, ये चेक करो बढ़िया है ना लोकेशन। तो बस अब खाली करके चल रहे हैं भाई सीधा घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको भाई मैंने दिखाया भाई पहाड़ में हम ट्रक ड्राइवर्स का भाई कितना स्ट्रगल होता है, कैसे कैसे रोडों में भाई गाड़ी लेके जानी पड़ती है, और कितने रिस्की रोड होते हैं, सब दिखाने का मेरा मकसद था। उम्मीद है भी आपको अच्छा लगा होगा, आगे भी आपको भी हिमाचल से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब अपनी गाड़ी की लोडिंग होगी तभी आपको मिलता हूँ मैं, उम्मीद है कल या परसों लोड हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, एक बार जाते जाते देख लो भाई ये व्यू।